देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के ठीक बाद 30 से ज्यादा विधायकों के साथ शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर दिखाते हुए सूरत में डेरा डाल दिया। इससे सियासी उथल पुथल मच गई और प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने एक यूरोपीय नेता से निजी बातचीत में स्वीकार किया है कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक हुआ था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आशंका जताई वुहान लैब में कोई दुर्घटना के चलते भी ये वायरस फैला हो सकता है। भाजपा ने उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा। हरियाणा की 18 नगर परिषदीय और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे बुधवार को आएंगे। मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक जीत हार की स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष वार्ड सदस्य के लिए चुनाव मैदान में उतरे 3,504 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद है। उत्तर भारत की 116 महिला विधायक बुधवार से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भावनात्मक बुद्धिमत्ता से प्रभावी नेतृत्व के तौर तरीके सीखेंगी। इसके लिए जेंडर रिस्पॉन्सिविस गवर्नेंस यानी लिंग उत्तरदायी शासन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गर्मी से राहत देने वाली बारिश मंगलवार को आफत बन गई। बनिहाल में पहाड़ से पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। इससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। राजौरी की कोटरंका तहसील के डोंग इलाके में बेमौसम की बर्फबारी से चरवाहों के 20 परिवार फंस गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। 24 अकबर रोड पर प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेसी नेता ने पुलिसकर्मी पर थूक दिया। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रांत में काला सागर से तेल निकालने वाले प्लेटफार्म पर यूक्रेन की सेना ने युद्ध के 118वें दिन हमला किया है। करीब 4 माह से जारी इस जंग में यूक्रेन ने बाहर किसी बड़े रूसी ठिकाने पर पहली बार हमला किया है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया है। उसने चौथे मुकाबले में मंगलवार को कंगारू टीम को 4 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही लंकाई टीम ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत में पहली बार आयोजित होने वाली 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मशाल श्रीनगर पहुंच गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मशाल को चेस ग्रैंड मास्टर प्रवीण डिस्पे को सौंपा है। मशाल बुधवार को हिमाचल के लिए रवाना होगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।